ये कहाँ से गाड़ी लेके आ गई? इसके अंदर मैं कह रहा था गाड़ी की आवाज आ रही है, यही वो गाड़ी थी जिसकी आवाज आ रही है। तो काफी टाइम से मैं अपने गैस स्टेशन पे आया नहीं हूँ, और आज मैं अपने गैस स्टेशन पे आया हूँ तो यहाँ पे जो है कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे पूरा जो है सब कुछ फैला हुआ है, इधर तूफान वगैरह आया होगा तो डस्ट वगैरह रखी है, और ये गाड़ियाँ वगैरह सारी पलटी पड़ी है। और ये हॉर्न क्यों मार रहा है? एक मिनट यार, अपनी झाड़ू निकालनी पड़ेगी, और ये झाड़ू वाली मेन्यू भी जो है चेंज हो चुकी है, जरा इसे सीधा कर दूँ। चल हो जा सीधा यार, हॉर्न क्यों मार रहा है बार बार? अच्छा हॉर्न ये मार रहा था एक मिनट से भी, अरे मत मार हॉर्न यार। तो ये गाड़ी तो गई ऊपर, और ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ पलटी हुई हैं। एक काम करता हूँ मैं, सारा ट्रैफिक ना अभी रीसेट ही कर दूंगा, या फिर दो गाड़ियाँ आई हैं इनको सीधा कर देता हूँ, निकल जाएंगी। एक तो ये है और एक ये वाली है। और बाकी अपने गैस स्टेशन पे जो है काफ़ी सारी अपडेट आ चुकी हैं, और अब जो है गैस स्टेशन पूरा का पूरा बदलने वाला है। तो लास्ट टाइम जो मैंने ये गेम खेला था तो यहाँ पे जो है ये वाला अपडेट आया था कार वॉश वाला, और ये कार वॉश के लिए भी यहाँ पे शायद मैं एम्प्लॉय हायर कर सकता हूँ, यही मुझे देखना पड़ेगा। बाकी जब कार वॉश की अपडेट आई थी तो नीचे जो है मगरमच्छ भी आया था, और जो मगरमच्छ यहाँ से ये सीवर खोल के इसके अंदर जाके नीचे दिखता है। अभी तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बदबू हो रही है, इसको बंद कर देता हूँ। और बाकी यहाँ पे ये वॉशरूम है, और ये अपना स्टोर है यहाँ पे, और अपने इम्प्लॉइज़ वगैरह सब रेस्टिंग पे हैं। और यहाँ ये दीवार की हालत क्या हो गई है, लास्ट टाइम मैंने रीपेंट तो की थी, और ये छत वगैरह भी सब खराब हो चुकी है, और वैसे अभी सब कुछ हटने वाला है क्योंकि अब जो है नई अपडेट आ चुकी है, उसमें जो है अपने गैस स्टेशन को मैं जो है काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, और बिल्कुल नई तरीके से गैस स्टेशन बनाएंगे, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे चेंजेस करेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं क्या करूँ, फिलहाल जाके मैं एक बार गैस स्टेशन को ना बंद कर देता हूँ, इन्हें निकालूँ यहाँ से। इस सारे के सारे यहाँ भीड़ लगा खड़े हुए हैं, अभी जो है किसी कस्टमर को सर्व नहीं करना, पहले गैस स्टेशन में जो है चेंजेस होंगे उसके बाद किसी कस्टमर को सर्व करेंगे। तो गैस स्टेशन को यहाँ से बंद कर दिया, और ये सारे के सारे अब यहाँ से निकल जाएंगे। और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर भी कुछ तो, ऊपर मैंने एग्जॉस्ट लगाया था छत पे, और एक बार जाके अपने यहाँ पे वर्कशॉप की भी हालत देख लेते हैं, वर्कशॉप की हालत क्या है। वर्कशॉप में कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ शेल्फ्स खाली हैं, टायर यहाँ पे तो है नहीं, इधर तो टायर काफ़ी सारे हैं, तो ये टायर तो सब यूज़ में आ जाएंगे। और इधर यहाँ पे ये दोनों खाली हैं, स्पार्क प्लग का भी और स्क्रैच मूवर भी। और कौन हॉर्न मार रहा है, अबे क्या हो गया, निकल जाओ आराम से। और ये नीचे जो है काफ़ी बेकार हालत हो रखी है, ये सब साफ़ सफाई भी होगी। और ये मछली जिंदा पड़ी है क्या, हिल रही अभी, वैसे जिंदा है। और ये आई है नई अपडेट यहाँ पे, तो ये वाला जो है DLC है, कैन टच दिस, इससे जो है एयर ब्रश ओपन हो जाएगा, डेकोरेशंस ओपन हो जाएगी, और स्ट्रक्चरल अपडेट्स जो है अनलॉक हो जाएंगी। और ये $7,500 का है, तो ठीक है, बैलेंस में अच्छा खासा है, $1,00,000 से ज़्यादा ही है। तो ये मैंने अनलॉक कर लिया, और गैस स्टेशन का level 6 अनलॉक हो गया, पहले level 5 तक था, तो ये नया लेवल एक आ चुका है। और अब देखते हैं इसमें क्या क्या अनलॉक हुआ है, और बैलेंस अभी भी जो है $1,05,000 का है। लास्ट टाइम बैलेंस काफ़ी सारा था, याद होगा मैंने पिछली वीडियोस में चैलेंज किया था, उस चैलेंज में जो है बैलेंस $1,00,000 तक तो मैंने पहुंचा दिया था। इसके अलावा एक और अपडेट भी थी ये वाली, इसमें क्या अनलॉक हुआ, इसमें भी डेकोरेशन है, स्ट्रक्चर अपडेट्स है, तो इसको भी ले ही लेता हूँ, ये $10,000 की है, दोनों को एक साथ अनलॉक कर लेता हूँ। ये भी अनलॉक हो गई, तो level 7 भी हो गया, तो अब जितनी भी चीज़ें सारी अनलॉक होंगी इकट्ठी एक साथ ही लगा लेंगे। और ये कंप्यूटर वगैरह भी शायद नए आए या नहीं आए, ओ वैसे यहाँ पे ये एक्सटेंड तो हो भी गया है, और ये बाहर था और यहाँ पे अंदर आ गया, फिलहाल तो जो है इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अपना गैस स्टेशन पहले यहाँ तक था, तो ये सारी चीज़ें जो है बाहर थी, ये अब अंदर आ गई, ये मैं हटा के जो है अब बाहर रख दूंगा। और मैंने नोटिस किया है कि अब काफ़ी सारी चीज़ें मैं मूव कर पा रहा हूँ, जो पहले मूव नहीं कर पाता था, जैसे ये भी मूव नहीं होता था, अब मैं इसे ही मूव कर पा रहा हूँ, तो इसको भी जो है यहाँ बाहर लगा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। और ये क्या है, ये तो अपने गैस स्टेशन का बोर्ड है, अभी फ़िलहाल इसको भी हटा देता हूँ, बाद में नया ही लगाएंगे, ये भी नया ही लगेगा। और ये तो ये क्यों नहीं हट रहा, ये बीच में ही रहेगा क्या, तो इस बाइक को बैठा दिया। और इधर ये AC अंदर ही आ गया, इसको तो बाहर लगाना है भाई। और अभी जो है टूल्स देख लेता हूँ, टूल्स पे क्या क्या अनलॉक हुए, और ये कैसे हवा में झूल रहा है, हटाओ इसको भी, इसको भी हटाओ। और ये खाली गैस स्टेशन इस साइड से एक्सटेंड हुआ है, यहाँ से भी थोड़ा सा शायद मेरे को नहीं, इधर तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, यहाँ से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो अपने रैक थे ही। और ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा क्यों लग रहा है, बाकी साइड से तो कोई चेंज नहीं हुआ, अभी चेंज करेंगे। अभी टूल्स में अनलॉक कर देता हूँ, एयर ब्रश वगैरह जो आए हैं, तो टूल्स में जो है पहले सिर्फ 3 चीज़ें हुआ करती थी, ब्रूम हुआ करती थी, पेंट रोलर था, ट्रैश बैग था। तो ये न्यूमेटिक हैमर है, इसको भी ले लेता हूँ, और उसके अलावा ये वैक्यूम है, वैक्यूम भी ले लेता हूँ, और एयर ब्रश है, एयर ब्रश भी ले लेता हूँ, एयर ब्रश भी ले लिया, तो तीनों चीज़ें ले ली। और डेकोरेशन में भी ये पेंटिंग्स वगैरह नहीं आई हैं, स्टैंडिंग में देख लेता हूँ, स्टैंडिंग में ये नहीं आई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आई हैं, ये तो खैर मैं बाद में देखूंगा।
पहले मैं जरा टूल्स देखूँ जो टूल्स आए हैं। एक तो टूल्स में ये क्या है, ओके तो ये वॉल को चेंज करने के लिए न्यूमेटिक हैमर, ठीक है। तो अभी जो है मैं खाली वॉल चेंज कर सकता हूँ या हटा भी सकता हूँ, उसको तोड़ नहीं सकता क्या मैं? अच्छा मेरे को कोई सी चूज करनी पड़ेगी, उसको हटा के फिर जो है लग सकती है। ये तो काफ़ी सही सही ऑप्शन आई है, काफ़ी अच्छी अच्छी वॉल्स हैं। ब्रिक की भी है, वुड की भी है, स्टोन की है। ब्रिक वाली देखता हूँ या वुड वाली देखता हूँ। ब्रिक की ये वाली ठीक रहेगी, ये लगा देता हूँ। और ये दोनों साइड से चेंज हुई है ना? हाँ इस साइड से भी चेंज हुई है, तो इसे भी जो है चेंज करता हूँ यहाँ से। तो ये सारी चेंज कर देता हूँ, इधर से तो चेंज कर ही देता हूँ। और बैलेंस तो मैं अच्छा खासा है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये रूफ़ के लिए ऑप्शन है, रूफ़ के लिए एक तो ये फ्लैट वाली रूफ है और एक ये वाली है। ये वाली भी ठीक लग रही है वैसे, फ्लैट वाली रूफ़। ये वुड में अगर मैं लगाना चाहूँ तो वुड में ये आएगी, मेटल में ये आएगी और ब्रिक में आएगी ये दोनों। ये वाली तो ज़्यादा ज़्यादा सिंपल सी लग रही है, मैं ये वाली लगाता हूँ, ये वाली थोड़ी ठीक लगेगी। ये हो गई चेंज, और सिर्फ $400 में चेंज हो गई। ये हो गया काम यहाँ का। और इधर की जो है ये वाली जो है इसके हिसाब से ही आई है ये, अच्छा ये ब्रिक वाली वॉल के साथ ही आई है, बट ये थोड़ी डिफरेंट सी लग रही है यहाँ से ऊपर से। देखूँगा उसको बाद में, अगर पेंट करके चेंज कर सकता हूँ। और इस वाली को भी तो चेंज कर लूँ, इस वाली को ब्रिक वाली में, ये वाली है। अच्छा तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि ये आउटसाइड ओनली वॉल चेंज करनी है या बोथ साइड करनी है। तो ये ऑप्शन काफ़ी सही है, इससे चूज़ किया जा सकता है कि बाहर की लुक कैसी हो और अंदर की लुक कैसी हो। अभी तो फिलहाल मैं बोथ साइड ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर भी ये वाली वॉल ठीक लगेगी। तो गैस स्टेशन के मेन स्टोर है, इसकी तो मैंने सारी वॉल्स चेंज कर दी। तो इधर से भी जो है सारा चेंज हो चुका है, और अभी जो है पेंट वगैरह होना है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मूव करनी है। तो अभी तो जस्ट बेसिक ये दीवार बाहर की बनाई है, और थोड़ा डिफरेंट लुक लग रही है। पहले वुड की वॉल्स थी और उनका पेंट भी जो है बार बार चेंज करना पड़ रहा था, और फिलहाल अभी तो पेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो अभी तो जो है इस टूल को अंदर रख लेता हूँ, और पहले अपने वर्कर्स को बुलाऊँ, यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे। और किसकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है? जब गैस स्टेशन बंद है तो यहाँ पर क्या करना है? किसी की गाड़ी की आवाज़ तो आई मेरे को, तो कोई नहीं है यहाँ पे इधर तो। और ये मैंने जो कैंपिंग का लगाया था ये आज तक जो है ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। और ये आग जल रही है यहाँ पे, और ये क्या है, लकड़ी ही है ना। और तब यहाँ पे आने पे भी जो है गो बैक की वार्निंग आ रही है। ये जैसे मैं इधर आया इधर की आया, तो बस ये अब यहाँ तक ही लिमिट हो गई है। तो फिलहाल एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने वर्कर्स को बुलाऊँ, थोड़ी जो है गैस स्टेशन की साफ़ सफाई कराऊँ, और अभी जो है फिर डेकोरेशन का ही मैं देखता रहता हूँ। और इधर क्या, इधर तो कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुए हैं, यहाँ पर शायद कुछ ये चेंजेस हुए हैं। ये पंप जो है नए आए हैं, ये ऐसा पंप का पहले था या नहीं था, चलो उसको तो मैं बाद में देखूंगा। पहले वर्कर्स को बुला लूँ एक बार साफ़ सफाई के लिए। और अभी जो है और टूल्स भी तो आए हैं, अभी तो जो है मैं ये वैक्यूम क्लीनर भी तो है, वैक्यूम क्लीनर से देखता हूँ, इससे भी तो फटाफट काम हो जाएगा। ओ ये क्या है, ये जो है इफेक्ट तो ऐसे आया था जैसे सारा का सारा फ्लोर साफ हो जाएगा, बट हुआ सिर्फ इतना सा साफ। अच्छा और पे करके देखता हूँ, इफेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, काम काफ़ी कम है, इतना सा जो साफ हो रहा है या फिर इतना ज़्यादा इफेक्ट ना दिखाते। थोड़ा सा एरिया कवर कर रहा है, ज़्यादा एरिया कवर भी नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा काम तो जो है यहाँ पे ट्रैश बैग जो है उठा के फेंकने का बन रहा है। और ये गाड़ी यहाँ पे कैसे आ गई, ये कहाँ से गाड़ी लेके आ गई? इसके अंदर मैं कह रहा था गाड़ी की आवाज़ आ रही है, यही वो गाड़ी थी जिसकी आवाज़ आ रही है। अब कैसे निकालूंगा तेरे को यहाँ से मैं, इसको तो निकालने के लिए भी आफत रहेगी। अबे कहाँ जाके फंसाई है? ओ भाई यहाँ से कहाँ से चला के ले जाएगी? तो ये पता नहीं कहाँ से आ गई है गैस स्टेशन के अंदर, ये यहाँ से तो जाने वाली है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से गाड़ी को निकालने का। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं जो है ना ट्रैफिक रीसेट कर लेता हूँ, तभी हटेगी यहाँ से। और ट्रैफिक रीसेट के लिए मैं UFO बुलाना पड़ेगा, एक बार UFO को बुला लेते हैं। तो ट्रैफिक रिसेट कर लिया और अब तो हट गई होगी यहाँ से, ये सारी चीज़ें मैं पिकअप कर सकता हूँ, ये यहाँ से जो है सारी साफ़ करूँगा। हट गई गाड़ी यहाँ से, ये अभी तो वैसे खाली है, अभी थोड़ा सा भर जाएगा तो फिर गार्बेज कलेक्शन वाली गाड़ी को बुला लूँगा। तो अभी जो है एक और टूल रखे एयर ब्रश, वो भी चेक करना है, हो सकता है उससे जो है जल्द जल्दी काम हो जाए। और वैसे पेंट सर्विस का भी शायद ऑप्शन आया है, पहले तो मैं एयर ब्रश देख लूँ, एयर ब्रश जरा। और यहाँ पर जो है कलर पिक कर लेता हूँ इसका। अच्छा ये एयर ब्रश जो है ना, इससे मैं ये अलग अलग तरह के ना ये डेकल्स बना सकता हूँ ऐसे, जो है टायर का, माउंटेन कॉफ़ी, ये काफ़ी सही है। ये मेरे को लगा पेंट का एयर ब्रश है ये, पर पेंट का नहीं है ये, ऐसे लोगो वगैरह या डेकल्स वगैरह बनाने के लिए। और कस्टम भी बना सकता हूँ यहाँ पर लिख के, और ये पिक्चोग्राम है। और इसमें एक काम करता हूँ, एक बना के देखता हूँ कोई ना कौन सा बनाऊँ, ये टायर वाला तो यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा,
यहाँ पे ये वाला ना बाकी साइड में आता हूँ, और इसका मेरे को कलर चूज करना पड़ेगा। कलर तो ये वाला यूज नहीं करना, थोड़ा सा इसमें ऐसा कलर लेते हैं। ओह ये तो एक बार भी बन गया, काफी आसान है इससे बनाना, तो इसको तो बाद में यूज करेंगे। इसके अलावा ये तो जो है लॉक पिकिंग वाला टूल है, ये ट्रैश बैग है, ये झाड़ू है, बैग है, बैग में भी तो जो है पेंटिंग वेंटिंग रखी हुई है। तो ठीक है, पहले मैं वर्कर्स को बुला लूँ, एक बार वर्कर यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद जो है ये अपना वर्कशॉप है इसको भी चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपने जो है वर्कर है यहाँ पे, और इसको बुलाता हूँ पहले, तो इसको दे देता हूँ काम जो है सफाई करने का, और इसको भी। अच्छा पिछली पेमेंट अभी तक रह रही है, बड़े दिन से बिना पेमेंट के हो। इसको दे देते हैं क्लीनिंग का, इसको भी दे देते हैं क्लीनिंग का, इन दो को भी बुलाता हूँ, ये क्लीनिंग कर लेंगे यहाँ पे आके। तो ये सामने वहाँ से आ रहे हैं, और एक बार मैं चल के अपना वेयर हाउस भी देख लूँ, वेयर हाउस में सामान कितना रखा हुआ है। वेयर हाउस का भी मेरे को याद नहीं है कितना सामान है वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस में तो काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, रैक फुली है ऑलमोस्ट। और इसका तो जो है पेंट वगैरह सबसे बाद में चेंज करूँगा मैं, क्योंकि इसका इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है अपनी वर्कशॉप का और गैस स्टेशन का। तो अपना गैस स्टेशन के स्टोर का तो जो है काम हो चुका है, मतलब इनिशियल काम हुआ है, वॉल्स वगैरह चेंज हो गई है। वर्कशॉप का और देख लेता हूँ, और ये वर्कशॉप का थोड़ा साइज़ और बढ़ जाए तो ये भी चेक कर लेता हूँ मैं। वर्कशॉप है अपनी येरी, और इसका जो है नेक्स्ट लेवल, तो वर्कशॉप का लेवल 6 भी हो सकता है, वर्कशॉप भी अपग्रेड हो सकती है, तो वर्कशॉप का लेवल 6 कर लेता हूँ। तो इसके अलावा वर्कशॉप का देख लेता हूँ, इसके अलावा और कोई लेवल है या नहीं है। अभी तो जो है 6 लेवल तक ही आ रहा है मैक्सिमम, और अपना वेयर हाउस का भी लेवल अप हो सकता है। ओके, तो वेयर हाउस का भी लेवल अप कर लेते हैं, $1500 का है ये भी। तो वेयर हाउस का भी लेवल अप हो गया, वेयर हाउस भी लेवल 6 पे आ चुका है। और उसके बाद क्या क्या अपग्रेड है, कारवॉश, कारवॉश तो लेवल 1 पे ही है जैसे स्टार्ट ही किया था, तो उसको भी पैसे दे के अपग्रेड कर लेते हैं। ये भी हो गया अपग्रेड, और क्या नया है इसमें, ये तो नीचे दिखाया है जहाँ पे जो है मगरमच्छ है, वहाँ पे कुछ चेंज हुआ है क्या? और लेवल 3 भी है, लेवल 3 भी कर लेते हैं, इसमें भी लेवल 5 या 6 तक ही होंगे। लेवल 3 भी हो गया, और ये लेवल 4 $8000 का है, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है कार वॉश का लेवल 4। ये क्या आया है, कोई नया पंप वगैरह आया क्या इसके अंदर? ये कुछ डिफरेंट सा दिखा है, अभी चेक कर लूँगा जाके वहाँ पे, और लेवल 5 भी कर लेता हूँ। सारा बैलेंस तो मेरा इन्हीं चीज़ों में लग जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लग गया, $12000 किया लेवल 5 वाली अपग्रेड। एक और भी है क्या इसके अलावा? नहीं, ये मैक्सिमम पहुँच चुका है, तो सारे के सारे मैक्सिमम पे कर लिए हैं। गैस स्टेशन भी मैक्सिमम पे ही है, और फ्यूल अभी गैस स्टेशन में 702 लीटर है, 1250 लीटर की कैपेसिटी, 250 लीटर की कैपेसिटी बढ़ गई है, पहले 1000 लीटर की कैपेसिटी थी। और ये सर्विसेज में जो है यहाँ पे, ये लोन वाला तो पहले से था, ठीक है, ये तो कोई नया नहीं है। और इसके अलावा जो नया आया है वो ये वॉल रिपेंट का है, $700 का है, और यहाँ पे जो है पेंट ट्रक आएगा, और ये खुद करेगा या करना पड़ेगा देख लेते हैं, एक बार बुलाते हैं इसको, देखते हैं क्या करता है। कलर तो चूज़ करने के ऑप्शन देंगे या अपनी मर्जी से करके चले जाएंगे, चाहे जो कलर पहले हो रखा है वही करते हैं, अभी देखते हैं, आने देते हैं। अभी तो वैसे ये वर्कशॉप ना मेरे को ठीक लग रही है, और वर्कशॉप में चेंज क्या हुआ है, साइज़ तो इसका इतना का इतना ही है यहाँ पे, तो साइज़ तो इसका सेम टू सेम ही है, साइज़ में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, बस कि जो है शायद कैपेसिटी बढ़ गई है। और पेंट ट्रक कहाँ पे है, पेंट ट्रक भी आने वाला है, एक बार पेंट ट्रक को आ दूँ, इसे देख लेता हूँ पहले। और इधर जिन्होंने साफ़ सफाई की है, नहीं की कर तो दिया, बट फ्लोर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। फ्लोर कहाँ साफ़ किया है, अबे क्या हो रहा है यहाँ पे खड़े हो के, ये दोनों के दोनों जो है एक साथ खड़े हुए हैं, एक को जो है ना ज़रा रेस्ट पर भेजूँ, जो भाई ब्रेक पर जाओ, दोनों एक साथ खड़े मत रहो, यहाँ पर काम कर लो, नीचे जो है जूतों के निशान हो रहे हैं। और आ गया ये पेंट वाला ट्रक, इधर कहाँ पहले वॉशरूम जा रहा है, अबे अपने घर से करके आया करो ना, यहाँ काम करने आयो, नहीं ये पेंट करने आया है। ओके, तो मेरे को लगा जो है यही वॉशरूम यूज़ कर रहा है आते ही, बट कोई नहीं, $1.5 का यहाँ पे जो है पी है, दे देता और यूज़ कर लेता। और ये पेंट इसने कौन सा कर दिया दीवारों पे, अबे अपनी मर्जी से पेंट करके चला गया क्या, ये क्या बकवासबाजी है। कलर चूज़ करने की तो ऑप्शन कहीं नहीं आ रही, ये क्विक रीपेंटिंग है, इनके पास जो भी पेंट पड़ा होगा उसे कर देंगे क्या, अबे क्या बना गया भाई यहाँ से, यहाँ कौन सा कलर है, यहाँ कौन सा कलर है, अबे क्या किया है ये, मेरा पेंट का ब्रश कहाँ पे है, ये रहा, ये मुझे खुद ही रीपेंट करने पड़ेंगे, अब इससे बेटर तो ना ही करता। और पेंट तो यहाँ पे काफ़ी सारे अनलॉक हो गए, ये पेंट तो जो है पहले इतने सारे नहीं थे। ये वाला कौन सा पेंट है, ये करके देखता हूँ एक बार,
ये तो बेकार लग रहा है, इतना खास नहीं लग रहा। और ये इसमें से जो है ये वाला करके देखता हूँ। ये अभी तो ये पेंट का बाद में देखना पड़ेगा, अभी तो जो एक कर गया है इसी से काम चला लेते हैं। और अंदर से जो है मैंने सारी वॉल्स चेंज नहीं की हैं, अंदर से ये वॉल्स रह गई हैं कुछ ना, पहले इन्हें ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ का जो है डोर भी चेंज करता हूँ, डोर में भी जो है ऑप्शन कस्टमाइज़ करने की वैसे आई हैं। तो ये सारी वॉल्स मैंने ठीक कर दी हैं और अब प्रॉपर हो गया है यहाँ वॉल्स का। और थोड़ा साइड होके खड़े हो जाए, यहाँ पे खाली क्यों खड़ी हुई है, कुछ काम तो कर नहीं रही। और अब जो है गेस्ट स्टेशन यहाँ ठीक लग रहा है, बस यहाँ से थोड़ा पेंट कर लूँ इस पर ना। इस पर पेंट हो ही नहीं रहा, पेंट का देखना पड़ेगा इसका शायद ना, कि पेंट इस पर हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी शायद मेटल का है, इसको बाद में देखेंगे। अभी क्या करता हूँ, अभी मैं जो है अंदर सामान सही से सेट कर दूँ और जो है एक बार गैस स्टेशन को ओपन कर दूँ। और फिलहाल जो है इसे भी तो मुझे यहाँ से मूव करना है, इसे मैं मूव नहीं कर सकता क्या? इससे तो नहीं कर सकता, बट इसको ज़रूर कर सकता हूँ। इसको ले जाता हूँ यहाँ पे कॉर्नर में, ये बीच रास्ते में आ रखा है, तो इसको भी जो है यहाँ से पिकअप करके इसको भी जो है यहाँ पे इधर की साइड लगाता हूँ। ये यहाँ प्लेस कर दिया, और इसको भी बीच रास्ते से हटाऊँ, ये भी बीच रास्ते में आ रखा है। अभी तो इन्हें टेम्परेरी रख रहा हूँ, बाद में इन्हें प्रॉपर यहाँ पर अरेंज करके रख दूँगा। और अभी लाइट काफ़ी कम है गैस स्टेशन के अंदर ना, ये लाइट का भी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये इधर आ गया, और इसको अभी हटा लूँ यहाँ से। अभी सामान भी जो है काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, ये भी तो सेल करना है, ये तो इधर आ ही नहीं रहा, ये इधर आएगा, इसको इधर लगा देता हूँ। ये हो गया, और ये ट्रैश का तो जो है यहाँ से उठ ही नहीं रहा। और लाइटों का देखना है, लाइटें नहीं आई हैं तो लाइटें लगाता हूँ मैं ज़रा। तो डेकोरेशंस में ये तो इंटरेक्टिव में क्या नया आया है, ये तो सब पुराना ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। मूवेबल्स में लाइटें नहीं काफ़ी सारी, इसमें देख लेता हूँ कोई नई लाइट आई हो तो। ये ऑयल लैम्प आया है, ओल्ड हेलमेट, ये सब डेकोरेशन के तो काफ़ी अच्छे अच्छे सामान आ चुके हैं। और ये टेनिस रैकेट है, कॉपर बाइक है, तो डेकोरेट करने का तो काफ़ी ज़्यादा सही है, डेकोरेट तो काफ़ी अच्छे खासे तरीके से हो सकता है। अभी फ़िलहाल मुझे लाइट लेनी है, मैं यहाँ पे जो है लाइटें देख लेता हूँ। लाइटें और कुछ लाइटें तो मेरे बैग में भी पड़ी हुई हैं शायद, एक बार वो भी देखता हूँ। और इधर की साइड ये सब लाइटें तो पुरानी ही हैं, एक बार जो बैग में लाइटें पड़ी हुई हैं ना वो देखता हूँ। बैग में मेरे को याद है कि कुछ लाइटें थी। ये तो जो है वॉल वाली लाइट है, ये एसी है, ये इलेक्ट्रिक बॉक्स है, ये सब बाहर लगाने हैं। अभी शेल्फ्स वगैरह तो जो है अभी पड़ी हुई हैं कुछ, ये एक टॉय वाली शेल्फ और लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई शेल्फ। और लाइट का तो जो है ऐसी कोई लाइट तो पड़ी नहीं, एक दो लाइट जो है मुझे लेनी ही पड़ेगी। ये ले लेता हूँ, ये वाली ठीक है, दो ले ली। और इन्हें जो है यहाँ वॉल्स के आसपास लगा देता हूँ। और ये डस्ट स्टॉर्म आ गया क्या बाहर, ये इतनी ज़्यादा? हाँ ये डस्ट स्टॉर्म आया हुआ है, तो ये बवंडर अभी भी नहीं रुका है, अभी भी जो है चलता ही रहता है। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी बवंडर आ रहा है, साफ़ सफाई का काम तो फिर से बढ़ ही जाएगा, तो अभी फ़िलहाल लाइटें लगा देता हूँ। लाइटें जो दो ली थी वो कहाँ पर आई हैं बैग में, इधर की साइड ये आ गई यहाँ पे। और अंधेरा थोड़ा मुझे इधर की साइड लग रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे एक तो सामने लगा दूँ, एक इधर हो गई, और एक और लाइट थी, दो ली थी मैंने, तो दूसरी बैग से निकाल लेता हूँ, दूसरे वाली जो है सामने की तरफ लगा देता हूँ। ये यहाँ पे कहीं दूसरे वाली, इधर इधर भी नहीं, इधर ही लगा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। और अभी क्या है, अभी मैं एक बार गैस स्टेशन को ना ओपन करता हूँ, क्योंकि गैस स्टेशन भी तो चलता रहना चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। और अभी जो है ऑलरेडी $50,000 का बैलेंस हो चुका है, और $1,10,000 से भी ऊपर का बैलेंस था। $60,000 तो मैंने ऐसे ही खर्च कर दिया। और गैस स्टेशन खुला रहेगा तो कुछ तो रेवेन्यू आता रहेगा। और ये और साफ़ सफाई का काम क्यों बढ़ाया जाए यहाँ पे यार, ये बवंडर का भी जो है अलग ही बवाल है। और ये अपना जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है बिल्डोज़र, अबे रुक जा भाई, हो गया बहुत हो गया बस। तो अब ये तूफान तो रुक गया है, मैं गैस स्टेशन को कर दूँ ओपन। अभी गैस स्टेशन ओपन होगा और बीच में रेत पड़ा हुआ है, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा। इसमें देख लूँ फ्यूल है भी या नहीं है, एंड पे ही है, एक बार सामने तक तो पहुंच जाए। बस इसको यहाँ पे छोड़ के एक बार ज़रा फ्यूल ले लूँ उसके लिए। अपनी जेरी कैन निकाल लेता हूँ, जेरी कैन है ये भी फ़िलहाल तो खाली है, इसे जो है भर लूँ पूरा पूरा, और इससे फ्यूल डाल दूँ उसके अंदर। डल गया फ्यूल। और एक जगह पे ही रेत आया है या और जगह पे भी आया है? फिलहाल तो जो है एक जगह ही दिख रहा है, इसी को डाल देता हूँ। ये कस्टमर आने लग गया और ये पागल हैं, फंस के यहाँ खड़े हो जाएंगे। और ये साइलेंसर इसके अभी यहाँ से यहाँ तक में गर्म हो गया, मैंने तो टर्बो भी यूज़ नहीं किया, जब साइलेंसर गर्म हो ही रहा है तो टर्बो यूज़ कर ही लेता हूँ। चलो डाल दिया यहाँ पे, और कस्टमर आने लग गए। और यहाँ पे जो है मैंने कोई एम्प्लॉय तो लगाया ही नहीं, एक बार यहाँ पे कोई एम्प्लॉय भी असाइन कर देता हूँ। एम्प्लॉय अपने खाली खड़े हुए हैं, एक तो ये भी रेस्टिंग पे ही हैं सारे के सारे,
तो इसको दे देता हूँ यहाँ पे जो है रजिस्टर हैंडल करने के लिए। और अरे ले लो पेमेंट यार, पेमेंट के बिना काम करने नहीं आते। ये फ्यूल डालने के लिए नीना को, और एमिली यहाँ पे रजिस्टर हैंडल कर लेगी। और जॉर्ज चचा को भेजते हैं गाड़ियाँ रिपेयर करने के लिए, सैम्यूल को भेजते हैं अभी जो है क्लीन करने के लिए भेजते हैं, और एक को अभी रेस्ट करने देते हैं क्योंकि चार की ही ज़रूरत है। और कार वॉश के लिए मैं अभी असाइन नहीं कर सकता, कार वॉश के लिए भी जो है असाइन करने की ऑप्शन होनी चाहिए थी। और एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैं इसमें जो है इम्प्लॉयज़ के ट्रेलर वगैरह शायद और ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, पाँच ही ले सकता हूँ, पाँच की कैपेसिटी थी पहले, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये यहाँ पे आ गई रजिस्टर हैंडल करने के लिए। और टॉयज़ का देख लेता हूँ कोई स्टॉक है। ओ स्टॉक है मेरे पास, काफ़ी सारा रखा हुआ है, ये तो सारा लगा देता हूँ। इधर की साइड न्यूज़पेपर का स्टॉक भी रखा हुआ है। न्यूज़पेपर का कहाँ पे, ये एक दो आए हैं क्या? अच्छा ये ऊपर की साइड आए हैं एक दो। और इधर वाला कोई स्टॉक नहीं है, इधर का स्टॉक काफ़ी सारा है, ये सारा ही लगा देता हूँ रैक्स पे, सारा ही बेच रहे हैं। और जब ख़त्म हो जाएगा फिर और मंगाएंगे। स्टॉक तो अच्छा खासा पड़ा हुआ था मेरे पास, कुकीज़ का भी पड़ा हुआ है, डोनट्स का भी है, सनग्लासेस भी पड़े हुए हैं। इधर का देख लूँ, वो कोल्ड ड्रिंक्स तो काफ़ी सारी हैं, सारी कोल्ड ड्रिंक लगा देता हूँ। और एक बार जो है अभी आइसक्रीम भी लगा ही देता हूँ सारी की सारी, ये तो पूरा फुल हो गया। आइसक्रीम तो काफ़ी सारी है, स्टॉक तो मैंने काफ़ी अच्छा खासा रखा हुआ था। आइसक्रीम का एक फ्रिज और पड़ा हुआ है मैं बैग के अंदर, उसे भी लगा देता हूँ। ये रहा आइसक्रीम का फ्रिज, और इसको इधर की साइड यहाँ प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है सारी आइसक्रीम रख देता हूँ, अभी भी स्टॉक बच गया और आइसक्रीम यहाँ पे काफ़ी सारी आ गई। चलो कस्टमर तो अपने आने लग गए हैं, एक बार मैं चल के ना वर्कशॉप के भी देख लेता हूँ वर्कशॉप। और इधर क्या हुआ है, ऑटोमेटिक कार वॉश ये ऑन कर देता हूँ ऑटोमेटिकली। ओ कार वॉश अपना ऑटोमेटिक हो चुका है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये अपग्रेड अब किया है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक बन गया, यहाँ पे तो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक बार मुझे यहाँ पे आके ये ऑन करना है और ये ऑटोमेटिकली कार्स को वॉश कर देगा। तो इसने कार पे पहले पानी मार दिया है और अभी मशीन आगे की तरफ आ रही है, और अब ये शायद यहाँ पे जो है सोप वगैरह लगा के कार को क्लीन करेगी। तो सही है ये कार का तो, और प्रॉपर इससे कार वॉश हो रही है, ठीक है। ये तो जो है सही फीचर आ गया है, तो यहाँ पर तो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अब। और ये कार वॉश को ओपन क्लोज करने का है, ये वाटर पम्प है। कार तो काफ़ी सही क्लीन कर दी पूरी की पूरी, और थोड़ा सा नीचे शायद गंदगी रह गई है हल्की सी जो मुझे गाड़ी पे दिख रही है, बट चलता है इतनी तो जो है खुद भी साफ़ करते हैं तब भी जो है इतनी रह ही जाती है, ठीक है। कस्टमर खुश है, रेटिंग ठीक आई है। ये वर्कशॉप में यहाँ पे चाचा आ तो गया काम करने के लिए, और यहाँ पर सामान देख लूँ, सामान स्टॉक में स्क्रैच मूवर तो स्टॉक में पड़े हुए हैं 30 थे, बाकी जो 6 रह गए वो भी यहाँ लगा देता हूँ। और ये स्पार्क प्लग भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। अपना गैस स्टेशन प्रॉपर चल रहा था जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर छोड़ा था, इसलिए जो है सारा का सारा सामान स्टॉक में है, किसी भी चीज़ की स्टॉक की कमी नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था और काफ़ी सही चल रहा था। $1,00,000 से भी ऊपर बैलेंस मैंने कर लिया था। टायर तो अभी काफ़ी हैं, टायर भी हैं इधर, कूलेंट दूसरी साइड है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें हैं अभी। तो ये कार वॉश वाला अगर मैंने ऑटोमेटिक भी ओन करके छोड़ दिया है, तो यहाँ पर जो भी कोई गाड़ी आएगी वो अपने आप ही जो है क्लीन हो जाएगी, मुझे बार बार आके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे लग रहा था कि जब यहाँ पे गाड़ी आएगी तो हर बार हर गाड़ी के लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, एक बार ऑन कर दिया उसके बाद छुट्टी, उसके बाद जो है गाड़ियाँ आती रहेंगी, क्लीन होती रहेंगी, और जब ऑफ़ करना होगा तब ऑफ़ कर दूंगा। तो इसको ऑन ही छोड़ देता हूँ, ऑफ़ क्यों करूँगा, इससे अच्छा खासा प्रॉफिट तो आएगा ही। और ये वॉशरूम्स के अंदर जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, ये ऐसा का ऐसा ही है, बस थोड़ा अंधेरा यहाँ पर ज़रूर हो गया, लाइटों का इंतज़ाम ज़रूर मुझे करना पड़ेगा। पहले तो ये वेयर हाउस का जो है यहाँ पे बोर्ड क्यों लगा रखा है, उधर वेयर हाउस का किसी को क्यों दिखाना है, वर्कशॉप का होता तो कोई फ़ायदा भी होता है, यहाँ पे वेयर हाउस का ये लगा दिया और इसे हटाने की फ़िलहाल ऑप्शन भी नहीं आ रही है। वेयर हाउस के ऊपर जाके अपने रूम में भी देख लेता हूँ जहाँ पे अपना रूम है, अपना बेड वगैरह लगा हुआ है, और ये एक गाड़ी आ गई है यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू हो गई है। चलो तो क्लीन हो रही है, एक बार ऊपर चल के देखता हूँ। मेरे को याद है जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ पे पेंट किया था, इसलिए पेंट बिल्कुल क्लीन है अब तक। इधर का पेंट तो चमक रहा है एकदम, और ऊपर मैंने अंदर भी पेंट किया था, वैसे अंदर के पेंट की हालत देख लेते हैं। अंदर का पेंट भी बिल्कुल साफ़ है, गंदा कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये पंखा ज़रूर नया आ गया, बेड तो नया दे देते, पंखा दिया है तो बेड भी दे देते। और ये बाल्टी कहाँ गई, और डेनिस भी आ गया, अलार्म बच गया, यहीं से खड़े होकर देख लेता हूँ। कर ले भाई तू गंदा कर ले आराम से, कोई बात नहीं मैं रिप्लेस कर लूँगा। तो अभी एक दो दिन तेरे को फुल छूट है, अभी मैं नया नया सेटअप कर रहा हूँ तो कोई नहीं मैं दोबारा से रीपेंट कर दूंगा, बट जब एक बार सेटअप हो गया उसके बाद फिर गंदा नहीं करने दूंगा। अदर करने दो इसे, अभी एक दो दिन इसे ही मौज लेने दो। बाकी अपने वर्कर गैस स्टेशन संभाल रहे हैं, और बाकी अभी रात भी होने वाली है। तो आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।